तो यहाँ रात का साया बच्चों को अंदर रखो, आप कह रहे हैं ठीक है। इसी तरह एक रिवायत में आपने फरमाया, जब रात हो तो अपना दिया बुझा दिया करो, रात हो तो दिया दिया जलते ना बुझा दिया करो, क्यों कि शैतान आके चूहे को बहकाता है और चूहा के दिया गिरा देता है, जिससे अपने आदम का नुकसान होता है, माले आग लग जाती, बुझा देना चाहिए दिए वगैरह अगर हो तो, याद रखिए बड़ी अहम बात है ठीक है। इसी तरह बुखारी की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से है और नापसंदीदा ख्वाब शैतान की तरफ से। अब रात में ये भी अटैक है उसका ख्वाब, बहुत सारे लोग बेचैन जिंदगियां गुजारते क्यों, ख्वाब बुरे बुरे आते हैं। तो कहा अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से, बुरा ख्वाब शैतान की तरफ से होता है, लिहाजा तुम में से कोई शख्स जब ऐसा ख्वाब देखे जो उसको पसंद ना हो, जो अच्छा महसूस ना करे, तो ये बात किसको भी ना बताए और अपनी बाएं जानिब देखकर हल्का सा थूक दे, लेफ्ट हैंड साइड थूक दे। एक रिवायत फरमाया किसी को ना बताए, इसलिए कि शैतान उसका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और इसमें फरमाया लेफ्ट हैंड साइड जो है थूक दे और इसके शर से अल्लाह की पनाह तलब करे, वो यकीनन कुछ नुकसान तुम्हारा नहीं पहुंचा सकता, कुछ भी नहीं कर सकता वो ख्वाब के जरिए, लेकिन डराता है। तो ख्वाब में आप डरिए मत, डरते हैं तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़िए, थोड़ा लेफ्ट साइड थूकिए और करवट बदल दीजिए, सीधे थे तो उल्टे सो जाए, उल्टे थे तो सीधे सो